नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। हमारा विश्व अभी भी खतरे में है। कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर अभी भी कोरोना के कम मामले हैं तो कुछ जगहों पर अभी भी थर्ड वेव का कहर जारी है और कुछ जगहों पर आशंकाएं हैं कि थर्ड वेव आ सकती है। इस बीच एक और वायरस ने हमारे विश्व में दस्तक दे दिया है जो कि दक्षिणी अफ्रीकी के एक देश गिनी में आ चुका है इसका मामला। तो आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कि यह वायरस कितना खतरनाक है और क्या यह कोरोना से भी ज्यादा खतरा ला सकता है। दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट अभी भी बरकरार है। कई देश में इसके संक्रमण के मामले कम हुए हैं तो कई जगहों पर बढ़ भी रहे हैं। भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच दुनिया के एक नए वायरस ने भी दस्तक दे दी है जिसे बेहद ही खतरनाक माना जा रहा है। इसका नाम है मारबर्ग वायरस। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में इस वायरस ने संक्रमण का पहला मामला सामने आया है जिसकी पुष्टि WHO ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारबर्ग वायरस खतरनाक और जानलेवा इबोला वायरस से संबंधित है। माना जा रहा है कि मारबर्ग वायरस कोरोना से भी अधिक खतरनाक है। ऐसे में वैज्ञानिकों की चिंताएं काफी बढ़ गई है। WHO का कहना है कि यह वायरस संभवतः चमगादड़ों में पाया जाता है। कोरोना को लेकर भी ऐसा ही दावा किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस नए और खतरनाक मारबर्ग वायरस के बारे में सब कुछ। यह मारबर्ग वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि WHO का कहना है कि इस वायरस की मृत्यु दर 88% तक होती है। अफ्रीका के WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मासी दिशो मोएती ने कहा, इस वायरस में दूर दूर तक फैलने की क्षमता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी 2 महीने पहले ही WHO ने गिनी में इबोला वायरस की दूसरी लहर के खत्म होने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद एक नया और जानलेवा मारबर्ग वायरस आ गया है। जिस व्यक्ति में इसके संक्रमण का पता चला है उसे यह संक्रमण कैसे और कहां हुआ इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब आइए जानते हैं कि इंसानों में कैसे फैलता है यह वायरस। WHO के मुताबिक इंसानों में मारबर्ग वायरस का संक्रमण चमगादड़ों के संपर्क में आने से फैल सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो यह कोरोना की तरह ही इंसानों से इंसानों के सीधे संपर्क से फैलता है। संगठन का कहना है कि यह संक्रमित लोगों के रक्त, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ या सतहों के माध्यम से फैलने में सक्षम है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो WHO के मुताबिक मारबर्ग वायरस इंसानों में गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बन सकता है। इसके लक्षण 2 से 21 दिन के बीच नजर आने लगते हैं। इसके संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी तेज बुखार, तेज सिर दर्द और गंभीर अस्वस्थता के साथ अचानक शुरू हो जाती है। अब ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी व्यक्ति इस वायरस के चपेट में है या नहीं, तो आइए जानते हैं मारबर्ग वायरस के अन्य लक्षण क्या है। मांसपेशियों में दर्द, गंभीर पानी जैसा दस्त जो कि 1 हफ्ते तक बना रह सकता है, पेट में दर्द और ऐठन, मतली और उल्टी या संक्रमण के तीसरे दिन शुरू हो सकती है सुस्ती, आंखों का कमजोर होना। WHO के मुताबिक मारबर्ग वायरस से संक्रमण के बाद कई मरीजों में 7 दिन के भीतर गंभीर रक्तस्राव की समस्या विकसित हो सकती है और घातक मामलों में आमतौर पर शरीर में कई जगहों से रक्तस्राव होता है। उल्टी और मल के माध्यम से शरीर से खून निकलता है, साथ ही नाक और मसूरों से भी खून बहने की समस्याएं होती है। घातक मामलों में मरीज की मौत आमतौर पर शुरुआत संक्रमण के 8 से 9 दिनों के बीच हो जाती है। अगर वायरस का पहचान करना है तो इस टेस्ट से ही पहचानना संभव हो सकता है। WHO के मुताबिक मारबर्ग वायरस रोग को अन्य संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, टाइफाइड बुखार, सिकलेशिस, मेनिजाइटिस और अन्य वायरल रक्तस्रावी बुखार से चिकित्सीय रूप में अलग करना मुश्किल हो सकता है। लक्षणों के अलावा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट आदि से संक्रमण की पहचान की जा सकती है। अगर हम बात करें इसके इलाज की तो यह जानना जरूरी है कि मारबर्ग वायरस रोग के लिए अभी कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके इलाज के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिरक्षा उपचारों और दवा उपचारों सहित संभावित उपचारों की एक श्रृंखला का मूल्यांकन
किया जा रहा है। WHO का कहना है कि शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ मरीज की उचित देखभाल और लक्षणों का बेहतर उपचार संक्रमण से उबरने में मदद कर सकता है। तो आपने देखा, हमने आपको दिखाया इस वायरस के बारे में कि यह वायरस कितने खतरनाक साबित हो सकती है, और आने वाले वक्त में अगर हमने एहतियात नहीं लिया तो यह वायरस के संक्रमण से हम भी दूर नहीं है। तो और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।